हेलो फ्रेंड्स, निर्मलाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेंड्स घर पर ही मलाई से घी कैसे निकालेंगे, वो भी कम समय में, कम मेहनत में, वो तरीका बताऊंगी आपको। तो ये मैंने 2 कटोरे मलाई ली है और ये मलाई मैंने दही की मलाई ली है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम दूध से मलाई इकट्ठा करते हैं ना तो उसे जमाने के थोड़ा झंझट रहता है। तो हम डायरेक्ट दही से मलाई को लेंगे ना, उसको इकट्ठा करेंगे ना तो कम मेहनत लगती है इस तरह से। तो ये 6 से 7 दिन की मलाई है, इसको मैंने 2 कटोरे लिए हैं। इसको मैं डेली निकाल लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी फ्रेंड्स। इस तरह से आप 7 दिन की इकट्ठा करके मलाई को घी निकाल सकते हैं। और इसका इतना सरल तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आज आपको कि 5 मिनट में आपका घी निकल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार लेंगे। आप चाहें तो मथनी से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जार के अंदर फटाफट निकल जाता है। तो इस जार के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी मलाई को। दूध की मलाई से अगर घी निकालेंगे ना तो उसके अंदर समय भी ज़्यादा लगता है। उस मलाई को इकट्ठा करो और फिर उसको गर्म करके वापस उसको जमाओ तो काफ़ी समय लगता है और झंझट भी होता है, उसके अंदर बर्तन भी काफ़ी ख़राब होते हैं। तो इस तरह से हम डेली दही जमाते हैं और उसकी मलाई को ले लेंगे ना तो समय भी कम लगेगा और बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। अगर किसी को मलाई वाला दही खाना हो तो वो भी हम खा सकते हैं इस तरह से, अगर दूध के साथ मलाई को जमा देंगे तो। तो इस तरह से हम ये 2 कटोरे इसके अंदर डाल लेंगे। आप चाहें तो दूध की मलाई को भी इकट्ठा करके डाल सकते हैं। और 6 से 7 दिन की मलाई काफ़ी होती है फ्रेंड्स फ्रिज के अंदर, इससे ज़्यादा दिन की मलाई को आप ना रखा कीजिएगा। ये देखिए, इस 2 कटोरों की मलाई को हम डाल लेंगे। और इसको मैंने फ्रिज से आधे घंटे पहले निकाल के रख दिया था ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे से भी घी निकलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इस सारी मलाई को हम इसके अंदर डाल लेंगे। और जार हमें बड़ा वाला लेना है फ्रेंड्स, बड़ा जार होगा तो हमें आसानी से रहेगी घी निकालने के लिए। अब ये मैंने मलाई को डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, गर्म पानी नहीं डालना है हमें, हमें जो नॉर्मल चरी का पानी होता है ना रूम टेम्परेचर का, वो पानी डालेंगे हम इसके अंदर। 1 गिलास मैंने ये पानी डाला है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे बस। अब इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमें मलाई से घी निकालने के लिए। तो 3 मिनट के लिए हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 3 मिनट ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स है ना आसान घी निकालना, कितना कम समय लगा है, सिर्फ 3 मिनट लगे हैं हमें इस मलाई से घी निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक पतीला ले लेंगे। पतीला हमें हैवी तले का लेना है जिससे ये हमारा घी पकाते वक्त जले ना। अब हम जार का सारा मिश्रण इसके अंदर डाल लेंगे, इस पतीले के अंदर डाल लेंगे इसको अच्छे से। अभी आपको फ्रेंड्स ये थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा होगा हमारा घी, लेकिन इसका भी हम एक जुगाड़ बिठाएंगे। ये मैंने 1 कटोरी आइस ली है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ठंडा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये आइस से थोड़ा जल्दी से है ना एक जगह डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और चम्मच से इसको इस तरह से चला देंगे ताकि ये हमारा घी इकट्ठा हो जाए, बंद जाए एक जगह और निकालने में आसानी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको ये बिखरा बिखरा लग रहा होगा ऐसे, तो है ना फ्रेंड्स आसान घी निकालना। अगर आपको दही के अंदर मलाई खानी हो तो दही के अंदर मलाई भी खा सकते हैं हम ऐसे। तो मलाई को गर्म करके जमाने का भी झंझट नहीं है। इस तरह से हम डेली दही के ऊपर से मलाई को निकाल लेंगे ना तो समय भी बचेगा ऐसे। अब इसको इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना इकट्ठा ये। अब हम इस चम्मच को हटा देंगे और हाथों की मदद से हम इसको इकट्ठा करेंगे। ये देखिए चम्मच को इसको घी लगा है ना, ये इसको साफ़ कर लेंगे ऐसे ऐसे को, और हाथ से इसको प्रेस करेंगे ताकि इसकी छाछ है ना सारी निकल जाए। ये देखिए सारा हाथ से इसको इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया हमारा घी। छाछ अलग है और घी अलग है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसके अंदर बर्फ़ डाली है ना। अगर आप ठंडा पानी भी डालेंगे ना तब भी इकट्ठा हो जाएगा ये ऐसे। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा हम हाथ से प्रेस कर देंगे ऐसे ताकि सारे छाछ इसकी निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मक्खन। ये देखिए कितना शानदार मक्खन बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल शुद्ध मक्खन बन करके तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो इसको रोटी पे लगा करके ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन आज हम इसका मक्खन से घी बनाएंगे, तो इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ही घी निकलेगा। अगर आपको मक्खन खाना हो तो आप इससे अलग रख सकते हैं थोड़ा सा निकाल करके।
चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं, इसको गर्म कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। शुरू में हम 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि ये मक्खन मेल्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको इसको छोड़ करके कहीं जाना नहीं है। आप सोचेंगे कि इसको छोड़ करके हम दूसरा काम कर लेंगे, तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये बर्तन ख़राब हो सकता है, क्योंकि तले में चिपक जाएगा ये और फिर बर्तन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। फिर आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम मार्केट से घी ले आएंगे, वही अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट की बात है। अगर आप 5 मिनट खड़े होकर के इस तरह से चलाते हुए इसे गर्म करेंगे ना, तो बर्तन हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और घी भी जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। जैसे ही हमारा मक्खन मेल्ट हो जाए, हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और 2 मिनट ही हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और फिर हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस मक्खन से घी बनते हुए। ये देखिए, तो आप इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहीं खड़े होकर ही इसको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और घर पे बनाए हुए घी की तो बात ही कुछ और है। ये देखिए, 5 मिनट हो गए मुझे इसे लगातार चलाते हुए। ये देखिए, थोड़े थोड़े से ये छाछ के जो पीसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम छान लेंगे। अभी हम थोड़ा सा और पका लेंगे 1 मिनट के लिए इसको। वैसे हमारा घी तैयार है ये बिल्कुल बन करके। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें बिल्कुल स्लो आँच पर इसको पकाना है, ताकि ये घी अच्छे से पक जाए, इसके अंदर स्मेल ना आए छाछ वगैरह की। ये देखिए फ्रेंड्स, तो है ना फ्रेंड्स आसान। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर घी बन करके तैयार है। और ये घी इतना टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, घर पे बनाए हुए घी की तो बात ही कुछ और है। मार्केट से कहीं ज़्यादा शुद्ध घी बन करके तैयार होता है ये। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे बर्तन में इसको छान लेंगे। तो आप किसी भी जिस जार में आप इसको डालना चाहें, उस जार के अंदर इसको छान लीजिए। मैंने ये एक बड़ा सा बोल लिया है, इसके अंदर एक छलनी रखेंगे। और फ्रेंड्स, आप छलनी ये स्टील वाली लेना। अगर आप वो प्लास्टिक की छलनी आती है जिससे हम चाय छानते हैं ना, उससे बिल्कुल भी मत छानना, नहीं तो वो छलनी ख़राब हो सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये सिर्फ 6 से 7 दिन की मलाई का घी है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 1/2 kg निकल के तैयार हुआ है, कम लगभग इतना घी है फ्रेंड्स ये। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बर्तन भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का सा हुआ है ये ख़राब। तो आसान है ना, बर्तन भी हमारे ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं और ये शुद्ध तरीके से हमारा घी बन करके तैयार है। तो इस घी को आप रोटी के ऊपर या हलवा बना करके जैसे भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी घी लगता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है इस घी से, आप कभी बना करके देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे मलाई से घी निकालने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।